गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के, टाइम दिख जा सुबह के 4:30। फिलहाल मैं उठ तो काफ़ी देर पहले गया था, पर 20-30 मिनट से मैं बस यही लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। और काफ़ी देर सोचने के बाद फाइनली मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए, वैसे ही काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं मिलता हूँ आपसे तैयार होने के बाद। तो अब बच चुके हैं सुबह के 5 और मैं हो चुका हूँ पूरी तरह रेडी। और अगर आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह तैयार हो गए कहाँ जा रहा है, किसी ट्रिप ट्रिप पे या कहीं एक्सरसाइज करने, तो नहीं है, मैं बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। और फिटनेस एक्सरसाइज से तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये बस सुबह एक छोटा सा पार्ट टाइम जॉब है मिल्क डिलीवरी का, उसके लिए ही उसकी वजह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी तैयार होकर जाना पड़ता है। तो बस अब मैं तैयार हो चुका हूँ और जल्दी से निकलते हैं। चलिए, अब जो भीड़ वाला इलाका था वो तो मैंने पार कर लिया है, क्योंकि कोई सेटअप तो है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको ऐसे बाइक चलाते चलाते तो दिखा नहीं सकता। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगा बीच बीच में अगर मुझे मौका मिले तो आपको अपना रूट दिखाने की या कैसे मैं काम करता हूँ। तो अभी कोविड के चलते ज़्यादा कस्टमर बाहर आते नहीं हैं, ऐसे ही बाहर बोतल रख के जानी पड़ती है और बाहर से खाली बोतल मिल जाती है। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:41 और जस्ट अभी भी मैं घर पे पहुंचा हूँ और काम ख़त्म करके बस अभी भी घर पहुंच ही पाया हूँ। और आज सही बताऊँ, आज काफ़ी ज़्यादा अजीब फीलिंग आ रही थी। मतलब बस रोज़ जाता हूँ ऐसे काम पे तो बस एक ही टेंशन होती है कि फटाफट दूध डाल दूँ और कस्टमर की शिकायत ना आए बस। लेकिन आज बार बार मन यही सोच रहा था कि कहाँ कोई मौका मिले, क्या सूट कर लूँ, कुछ सूट कर लूँ, कितनी सूट कर लूँ, बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा अजीब फीलिंग हो रही थी। तो चलो, अभी मैं आ गया हूँ, मैं थोड़ा ये मास्क वास्क धो लूँ, हाथ पर धो लूँ, नहा लूँ और उसके बाद मिलता हूँ थोड़ी देर। वैसे कोविड के सीन से पहले मैं नहा के ही जाया करता था, पर अब जब ये सीन ज़्यादा बढ़ने लगा, सेकंड वेव आ गई, तो फिर अब मैं जब वापस आता हूँ तो वापस आके नहाता हूँ। और अगर मैं सुबह भी नहा के जाऊँ और वापस आके भी नहाऊँ तो कच्छे जल्दी सूख नहीं पाते हैं, तो कोई नहीं, एक ही बार नहा सकता हूँ मैं, तो मैं वापस आके नहाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नहा धोके। ये वाला मैंने धोके डाल दिया है और कल ऐसे ही सेम ये वाला धोके डाला था, तो आज जो भी आना जाना होगा वो सब इससे करूँगा और कल फिर इसे पहन के जाऊँगा। तो फिर कल वापस आऊँगा तो फिर इसे धोके डाल दूँगा और इसको यूज़ करूँगा, मतलब ये बदल बदल के करता रहता हूँ। तो गाइस, अब मैं नहा के आ गया हूँ और नहाते नहाते मुझे एक बात याद आई थी कि आज सुबह तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि आज मेरा वैक्सीनेशन का डे है। तो अभी बस 11 से 1 का स्लॉट है, तो अभी थोड़ी देर में खा पी के निकलता हूँ। तो मैं अभी आपको खाने पीने के बाद और जब वैक्सीन के लिए निकल रहूँगा तब मिलूँगा। तो गाइज, अभी मैं हो चुका हूँ पूरी तरह तैयार वैक्सीन लगवाने के लिए। और जब मैं तैयार हो रहा था, पापा ने मुझे बताया कि शर्ट पहन के मत जा, इसकी जगह टी शर्ट डाल ले क्योंकि हाथ में लगती है। तो हाँ, अभी जाके इसको चेंज करूँगा। और तब तक मैं थोड़ा छत पर आ गया था मौसम देखने के लिए, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, हालाँकि धूप आ जा रही है पर हाँ फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हैं आप बादल कितने सही लग रहे हैं। टाइम लैप्स लूँ क्या?
पर ब्लॉग वैसे ही काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आप ऐसे ही थोड़ा इन्जॉय कीजिए। और मैं जाके अभी नीचे शर्ट चेंज करके निकलता हूँ वैक्सीन के लिए। और लो बस अभी 2 मिनट ही हुए होंगे मुझे यहाँ आए, और सूरज निकला है, धूप पड़ने लगी। तो गाइस मैंने अपनी शर्ट चेंज कर ली, टी शर्ट डाल ली है, और अब हम निकल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और वो आपको मौसम दिखाने का प्लान तो पूरा फेल हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने मौसम दिखाना स्टार्ट करा था 2 मिनट बाद ही धूप आ गई। तो चलो फिर कभी। और फिलहाल मेरे साथ अभी ये मेरा भाई, छोटा भाई जाएगा, और 2 बजे से फिर इंडिया का टेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप फाइनल भी है, तो जल्दी से जाके लगवा के आते हैं, वापस आके मैच भी देखना है। तो चलो मिलते हैं आपको। तो गाइस जैसे जो वैक्सीन सेंटर है वो ज़्यादा दूर तो है नहीं, बस अपने घर के पास ही है, तो बस हम 5-10 मिनट बाइक चला करके बस पहुंच जाएंगे। और वहां पहुंच के मैं आपको बताता हूं क्या सुविधा है, कैसी है, कैसा रहता है एक्सपीरियंस, सब वापस आके बताऊंगा। तो गाइस मैं वैक्सीन लगवा के आ गया, और सॉरी वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर मेरी हिम्मत ही नहीं जेब से फ़ोन निकालने की, इतनी भीड़ देख के मेरे हाथ पैर वैसे ही कांपने लगे। ये पहला ब्लॉग है, अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं, आगे देखिए धीरे धीरे जब सेकंड डोज में जाऊंगा, जब सेकंड डोज लगवाने जाऊंगा तब कोशिश करूंगा कि तब मैं वहाँ पर जा करके रिकॉर्डिंग कर सकूँ या ब्लॉग बना सकूँ। तो हाँ वैक्सीन लग गई, काफ़ी जल्दी काम था, करीब एक घंटे में सारा काम खत्म हो गया। मैं पहुँच के घर वापस भी आ गया मैं 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, और शायद से एक डेढ़ घंटा भी नहीं लगता अगर मेरे साथ वो पोपट नहीं हुआ होता। तो मेरे साथ हुआ ये कि मुझे टोकन नंबर दिया, 112 टोकन नंबर दिया, तो मुझे लगा कि साइड में चेयर पड़े थे उनको बैठ जाते हैं, जब मेरा नंबर आएगा तो आवाज़ मार लेंगे। अब जब मैं काफ़ी देर बैठ ले तब मुझे आकर के एक अंकल ने बताया कि यहाँ बस उठ के लाइन में लगना पड़ेगा, जो लाइन में है उसका नंबर आएगा, टोकन नंबर से सिस्टम नहीं चल रहा है। तो करीब 145 या 146 का नंबर चल रहा होगा उस टाइम, उसके पीछे मैं लाइन में लगा, तब जाके मुझे वैक्सीन लग पाई, वरना करीब 20 मिनट में काम हो जाता और मुझे वैक्सीन लग जाती है। काफ़ी फास्ट चल रहा है काम, और एक्सपीरियंस होता हूँ तो हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, अभी अंदर से बुखार वगैरह तो कुछ लग नहीं रहा है, बस हाथ में दर्द हो रहा है। और जब लगवाने जा रहा था तो बाहर से दूर से देख के, डॉक्टरों को देख के डर लग रहा था, वो जिस तरह से एकदम इंजेक्शन लगा रहे थे, और डर लग रहा था कि हाँ पता नहीं कैसे लगा देंगे, लेकिन जब लगी तब पता नहीं चला, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, स्मूथली लग गई। तो हाँ बस अभी ऐसा ही है, अगर कुछ तबीयत ख़राब हो गई या कुछ तो मैं आपको आगे बता दूंगा। और फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया, पहला ब्लॉग है, पता नहीं आप लोग देखोगे भी या नहीं, या कोई देखेगा भी या नहीं, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते, ज़्यादा बोर नहीं करते। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अगर इस ब्लॉग में कुछ अच्छा लगे, कुछ इम्प्रूव करना हो, कुछ सजेशन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।